MIUI 9.6.2.0 Redmi Y1 2 है। Xiaomi ने काफी दिनों बाद Redmi Y1 के लिए 9.6.2.0 का अपडेट दे दिया है, जिसका अपडेट का मैं फुल चेंज लोगों इस वीडियो में देखने वाला हूँ, क्या बग फिक्स हुए हैं, क्या नया फीचर मिलता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन आपके पास Redmi Y1 डिवाइस है या Xiaomi या कोई भी डिवाइस है तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ कीजिए बेल के आइकन को प्रेस ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो MIUI 9.6.2.0 में क्या चेंज हुआ है ये देख सकते हैं, MIUI 9.6.2.0 ठीक है। तो इसमें आपको क्या चेंज देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी जो होम स्क्रीन पे आप जाएंगे, होम स्क्रीन जिसका टाइमिंग थी ये थोड़ी बोल्ड साइज की हो चुकी है, पहले छोटा था अब ये थोड़ा बड़ा कर दिया गया, पहला चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा चीज आपको यहाँ पे टॉप साइड के अंदर मिलेगा अगर आप वोल्टी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपकी वोल्टी का जो साइन था वो जो सैमसंग में डिवाइस में नहीं होता था, सैमसंग या वीवो डिवाइस में देखने को मिलता था, वैसा आप रेडमी के डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा Redmi Y1 के अंदर इस अपडेट के अंदर। तो काफी अच्छी बात है कि ये चेंज कर दिया इन्होंने। अगली चीज लगती है वो बोर्ड इंटरेस्टिंग चीज लगती है मेरे को, ऐप वॉलेट, जो कि मैं ऐप वॉलेट से काफी परेशान था, मैं यूज नहीं करता था और मैंने उसको ऑफ कर दिया। इसमें ऑप्शन आ चुका है ऑन ऑफ का, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे होम स्क्रीन रिसेंट बार के अंदर, रिसेंट बार में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा टर्न ऑन ऐप वॉलेट, इसे यहाँ पे ऑन करने पे यहाँ पे ऐप वॉलेट ऑन हो जाएगा, और वहां से डायरेक्ट आप ऑफ करना चाहते तो ऐप भी कर सकते अगर जिसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है कि ये ऑप्शन आ चुका है आप इस अपडेट के अंदर। और अगली चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगी आपको सेकंड स्पेस के यहाँ पे जो कि इंटरफेस था वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया, और अंदर भी जाके कुछ चेंज हुआ आपको दिखा देता हूँ। अभी अंदर देखते हैं, मैं सेकंड स्पेस के अंदर आ चुका हूँ। सेकंड स्पेस के अंदर जब आप सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेकंड स्पेस का ऑप्शन। सेकंड स्पेस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट सेकंड स्पेस, इसका मतलब है कि आप बिना फर्स्ट स्पेस में जाए इसे सेकंड स्पेस के अंदर ही सेकंड स्पेस को डिलीट कर सकते हैं। तो काफी अच्छी बात है कि इन्होंने ये ऑप्शन ला दिया है, जिनको जो यूज करते थे सेकंड स्पेस उनके लिए काफी अच्छा फीचर है। अगली चीज आपको देखने को मिलेगी इसके मी एप्स के अंदर, मी एप्स के अंदर आप जाएंगे तो मैंने पहली बार यूज करेंगे, आप पहली बार यूज करेंगे तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिखाई जाएगी। मैंने यूज कर रखा है जैसे कि इसको, तो मेरे को गाइडलाइंस नहीं दिखा रहा। अगर आप पहली बार यूज करेंगे इस अपडेट को करने के बाद यहाँ पे वो कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी, तो ये काफी अच्छी बात है आपके लिए। और अगली चीज आपको मिल जाएगी सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद, सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको मिलेगा गेम स्पीड बूस्टर, तो इसको आप यूज कर सकते हैं गेम यूज करने में, तो काफी अच्छी बात है ये भी आपके लिए। और अगली चीज मिलेगी आपको सेटिंग में जाने के बाद, सेटिंग में आप जाएंगे जब सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप। इंस्टॉल्ड ऐप में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जितनी भी मोबाइल में ऐप होगी वो आ जाएंगे, और यहाँ से आप मल्टीपल अनइंस्टॉल कर सकते हैं एक साथ। अगली चीज में फिक्स की गई, आप थीम के अंदर जब भी कोई थीम लगाने जाते थे, थीम पे जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे कई बार स्टॉप वर्क आ जाता था, वेट का ऑप्शन आ जाता था, इसे फिक्स कर दिया गया इस अपडेट के अंदर, जो काफी अच्छी बात है। और अगली चीज इसकी जो नोटिफिकेशन के अंदर जो ये वेदर का जो ये रंग था ये चेंज होता नहीं था मौसम के हिसाब से, इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया। फिलहाल इन्होंने दिखा तो है पर फिक्स हुआ नहीं है इसके अंदर भी, मेरे को जहां तक की लगता है। आप मेरे को बताना कि फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ, कि वेदर के हिसाब से ये चेंज होता है या नहीं होता, कभी कभी बाई चांस चेंज हो जाता है। और अगली चीज मिल जाएगी आपको सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको स्टोरेज का मिलेगा। स्टोरेज के अंदर यहाँ पे फर्स्ट स्पेस और यहाँ पे अदर्स यूजर और सिस्टम स्टोरेज ये थोड़े अलग अलग कर दिए गए हैं, तो आपको अब देखने के अंदर काफी अच्छा लगेगा और इसमें समझने में भी काफी अच्छा लगेगा आपको। तो यही अपडेट में कुछ खास फीचर थे, और जो फीचर थे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।